हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को बाकायदा 16 तारीख को ये हदायत दी कि ये 23 अरब रुपया जो रकम है रकम ये आज़ाद कश्मीर को पहुँचा दी जाए। और आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये 23 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर हुकूमत में अकाउंट में आ चुका है। तो ये कोई कोई आप पर कोई एहसान जताना नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि बतौर एक पाकिस्तानी के और आज़ाद कश्मीर जिसको और कश्मीर जिसको हज़रत कायदे आज़म ने पाकिस्तान की शहरक कहा था उसके साथ वालेहाना जो इत्तेहाद ताल्लुक और मोहब्बतों के जो फूल हैं वो हमेशा हमने निछावर किए, आपने निछावर किए। और वादी कश्मीर में जो बेगुनाह कश्मीरों का जो खून बह रहा है और वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि और तिहाड़ जेल में जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ और जिस तरह उनको सजाए मौत देने की वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं, उसका नतीजा सब ने देखा कि इलेक्शन हुए मगर जो हुकूमती पार्टी है वो अपने लेवल पर अपने नाम पर वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकी। मैं समझता हूँ कि यही जहाँ पर जुल्म होता है, जहाँ पर ज़्यादती होती है तो फिर उसका आगे से यही जवाब मिलता है। तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि न सिर्फ इंशाल्लाह जो मकबूज़ा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो न सिर्फ कभी रायगा नहीं जाएंगी, ज़रूर एक दिन वो रंग लेके आएंगी।